समिति मिलकर किया गया था। महाराष्ट्र राज्य केंद्र प्रमुख संघ और महाराष्ट्र राज्य पदवीधर प्राथमिक शिक्षक और केंद्र प्रमुख सभा यह आंदोलन केंद्र प्रमुखों की मांग पूरी होने के लिए किया गया था। उन्होंने राज्य शिक्षा मंत्री, शालेय शिक्षा मंत्री विभाग और महाराष्ट्र राज्य मुंबई इनको पत्र लिखा है। यह आंदोलन पूरे महाराष्ट्र में एक दिवसीय आंदोलन के स्वरूप में किया गया है। महाराष्ट्र राज्य केंद्रीय संघ महाराष्ट्र और महाराष्ट्र राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए 28 सितंबर को आंदोलन किया गया। तब उन्होंने एक पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने कहा कि आपसे विनती है कि जिला परिषद शालेय शिक्षण विभाग में शैक्षणिक गुणवत्ता वृद्धि के लिए कार्यरत एक पर्यवेक्षी तंत्र के साथ केंद्र प्रमुख के पद का सृजन 1955 में हो गया है। इस बीच इस संगठन ने कुछ जायज मांगों पर सहमति जताई। हम पहले ही बयान दे चुके हैं और सरकार अभी तक उन्हें हल करने की कोशिश नहीं कर रही है और ना ही कोई कार्रवाई की। इसलिए सरकार हमारी मांगों को स्वीकार करने के लिए तत्पर होने के लिए 28 सितंबर 2021 को कार्रवाई करने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए नागपुर जिले में एक दिवसीय बांध आंदोलन महाराष्ट्र राज्य केंद्रीय संघ और महाराष्ट्र राज्य स्नातक प्रोफेसर शिक्षक और केंद्र प्रमुख सभा संयुक्त रूप से पारित हुई। इस दौरान केंद्र के प्रमुख से निवेदन किया गया कि मांगों पर तत्काल निर्णय ले। मी भूपेश चव्हाण केंद्र प्रमुख गुंगाव पंचायत समिति हिंगणा तथा महाराष्ट्र राज्य पदवीधर प्राथमिक शिक्षक व केंद्र प्रमुख सभा याचा राज्य प्रतिनिधि। आम्ही आज या ठिकाणी दोन संघटना मिळून धरणे आंदोलन करण्याचं निश्चित केलेलं आहे। हे आजचं धरणे आंदोलन केवळ याच ठिकाणी नसून संपूर्ण महाराष्ट्रभर एकाच दिवशी होत आहे। यामध्ये महाराष्ट्र राज्य केंद्र प्रमुख संघ व महाराष्ट्र राज्य पदवीधर प्राथमिक शिक्षक व केंद्र प्रमुख सभा या दोन संघटना संयुक्तरित्या हे धरणे आंदोलन करत आहे। यामध्ये 1995 पासून या केंद्र प्रमुख पदाची निर्मिती झाली, परंतु आजपर्यंत आमच्या न्याय मागण्या शासनाने मान्य केलेल्या नाहीत। वारंवार निवेदनं दिली, वारंवार आपण अधिकारी पदाधिकाऱ्यांपर्यंत आमच्या मागण्या पोहोचवल्या, परंतु आमच्या मागण्यांकडे कोणी लक्ष दिलेलं नाही। म्हणून एक दिवसाचं हे धरणे आंदोलन संपूर्ण महाराष्ट्रात एकाच दिवशी करण्याचं या दोन्ही संघटनेनी एकत्र मिळून ठरवलेलं आहे। यामध्ये साध्या साध्या मागण्या आहेत। केंद्र प्रमुखांना प्रवास भत्ता मिळावा, केंद्र शाळांची पुनर्रचना व्हावी, केंद्र प्रमुखांच्या कर्तव्यात जशी वाढ झालेली आहे त्याच पद्धतीने त्यांच्या अधिकारातसुद्धा वाढ व्हावी। केंद्र प्रमुखांची जी पदोन्नती आहे, जी हक्काची पदोन्नती आहे, शिक्षण विस्तार अधिकारी आणि वर्ग 2 पदोन्नती ही यामध्ये केंद्र प्रमुखांना मिळावी। वर्ग केंद्र प्रमुखांचं शैक्षणिक पात्रता ही वर्ग 2 पदोन्नतीची आहे, परंतु वर्ग 2 पदोन्नती केंद्र प्रमुखांना मिळत नाही। या पद्धतीच्या ज्या 13 मागण्या आहेत, या 13 मागण्या आपण शासनाच्या समोर मांडण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। आजच्या दिवशी संपूर्ण महाराष्ट्रात एकाच दिवशी हे धरणे आणि आंदोलन शांततेनं, परंतु आमच्या न्याय मागण्यांसाठी आम्ही हे धरणे आंदोलन कायम टिकवणार। इस आंदोलन में उन्होंने कुछ मांगे रखी है, जैसे कि केंद्र प्रमुख को प्रवास भत्ता मिलना चाहिए, केंद्र विद्यालय की पुनर्रचना, केंद्र प्रमुख के अधिकार में बढ़ोतरी, केंद्र प्रमुख की पदोन्नति मिलनी चाहिए। ऐसी 13 मांगे उन्होंने इस आंदोलन में रखी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसे, PCN न्यूज नागपुर।